ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ हरये नमः। ॐ हरये नमः। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ चैतन्यस्वरूपाय नमः। ॐ चैतन्यस्वरूपाय सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ आत्मदेवाय नमः। ॐ आत्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। जगन्नाथाय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ चिन्मयाय नमः। ॐ चिन्मयाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ विष्णवे नमः। पुरातनाय नमः। ॐ पुरातनाय नमः। ॐ आत्मदेवाय नमः। ॐ आत्मदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। निर्गुणाय गुणात्मने। समस्तजगदाधार। समस्तजगदाधार। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य है, अव्यक्त है, त्रिगुणातीत है और समस्त जगत का अधिष्ठान है, उस परब्रह्म परमात्मा को हमारा नमस्कार है। यो वै ब्रह्मैव जानाति तेषां देवानां बलिं विहति। आत्मा परमात्मा को, ब्रह्म को जिसने ठीक से जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया और उस ब्रह्म परमात्मा के साथ जिसने अपनी एकात्मकता सिद्ध कर ली, वो महापुरुष ब्रह्म रूप हो गए। फिर वो
सोए हुई अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, घोड़े पे हाथी पे बैठे हो, संसार के भोग विलास में रचे पचे हों, शहर में रहते हों, जंगल में रहते हों, सन्यासी हों, अवधूत हों, वानप्रस्थ हों, कि ब्रह्मचारी हों, बालक हों, वृद्ध हों, लेकिन ऐसे ब्रह्मवेत्ता के दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात भगवान शंकर ने पार्वती से कही। और ये कहा है योग वशिष्ठ महारामायण में, जिस जिबान से ब्रह्मवेत्ता बोलता है उस जिबान को भी हमारा नमस्कार है, जिस स्थान पे वो बैठता है उस स्थान को भी हमारा प्रणाम है, जिस वस्तु को छू देता है वो प्रसाद हो जाती है। अरे जिनके ऊपर ज्ञानवान नजर डालते हैं वो भी नमस्कार करने योग्य, वंदन करने योग्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन पत्थर, ईंटें, मार्बल अथवा टाइल्स अथवा जिन मिट्टी और रेते के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों में भी ब्रह्मवेत्ता का चलते फिरते उठते बैठते जो स्पर्श होता है वो भी अपने उस रूप का त्याग करके जल्दी से मनुष्यत्व की ओर बढ़ते, और मनुष्यत्व की ओर बढ़ के वो भी किसी श्रेष्ठ संग में, किसी भक्त के साधक के संपर्क में आने लगते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन शांति मापनुयात, शांतो मुच्येत बंधेभ्यो मुक्तस चान्यान विमोचयत। जो दुर्जन है वो सज्जन हो, जो सज्जन है वो शांति को प्राप्त हो, जो शांत हो चुके वो बंधनों से मुक्त हो, और जो बंधनों से मुक्त हो चुके वे दूसरों को भी बंधनों से मुक्त कर दें। गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है और मंत्र भी है, सूत्र भी है, गीत भी है, भगवान का हृदय भी है। फौज में काम करने वाला सिपाही सुबह शाम फौजियों को आधा एक किलोमीटर, दो चार किलोमीटर दौड़ लगाने का नियम होता है। शारीरिक श्रम और कसरत आर्मी में, फौज में, मिलिट्री में वह अभ्यास विशेष रूप से करवाया जाता है। सिंगापुर में भी जिन्होंने वहाँ का पीआर लिया है, जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, वो अगर सिटीजनशिप लेते हैं तो उनका जो बच्चा होगा उसको भी दो साल तक
हर परिवार को अपने बच्चे को फौज में भर्ती करना पड़ेगा। ऐसा वहां की सरकार का नियम है। जंगलों में भी भांति भांति की प्रैक्टिस, सामान को 25 किलो 30 किलो 50 किलो पीठ पे लाद कर दौड़ाना, अंधेरे में जंगलों में रास्ता पार करना आदि अलग अलग ढंग की ट्रेनिंग दी जाती है। एक फौजी रोज सुबह शाम दौड़ लगाता था, शाम को दौड़ लगा के वापस जब आ रहा था, अभी तो सूरज ढलने ही वाला था कि देखा एक सड़क के एक और एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक सुंदर युवती बैठी है। यहाँ तो सिक्योरिटी जोन है, बिना परमिशन के तो अंदर आना अलाउ नहीं है। हम हमारे माँ बाप बहन पत्नी परिवार को छोड़ के यहाँ फौज में भर्ती हुए हैं, यहाँ तो अलाउ नहीं है। ये पेड़ के नीचे इतनी सुंदर युवती कौन है? उसकी दौड़ रुक गई और उस पेड़ के नीचे बैठी युवती को वो फौजी घूर के देखने लगा। पेड़ के नीचे बैठी लड़की भी फौजी को देखी और मुस्कुराई। फौजी रुक गया, पूछने लगा तुम कौन हो, यहाँ अकेले कैसी बैठी हो, कहाँ की हो? उस युवती ने बोला तुम्हारे साथ चलूं क्या? और सिपाही वो फौजी कुछ बोल नहीं पाया, उसने भी इधर उधर देखा ताका और मुख सम्मति दे रहा हो। वो लड़की उस पेड़ के नीचे से उठी और उस फौजी के साथ हो ली और जहाँ उसका कमरा था वहाँ पहुँच गई। सब फौजियों को अपना अकेला कमरा दिया हुआ था। वो रात वो युवती उस फौजी के साथ कमरे में एक ही बिस्तर पर रही। अब तो रोज रात को रात हो जाए तो वो आ जाए, सुबह हो तो वो चली जाए, ये उसका रोज का मानो क्रम हो गया। एक दिन की बात है, कुछ दिन बीते होंगे, जो यो पूछे कि तू कहाँ रहती है, तेरे माँ बाप कौन है, सुबह कहाँ चली जाती और शाम को कैसे आ जाती, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टॉपिक बहाना वो निकाल देती और वो बात को टाल देती, रहस्य गहराता गया और वो फौजी शंका कुशंकाओं में झोले खाने लगा। तिथि वार नक्षत्र पर्व देखे बिना एकादशी पूर्णिमा जो
संसार व्यवहार करते हैं वो जो दिन में करते हैं उनको तो तेजोहीन हो जाते हैं और नेत्रों की शक्ति भी उनकी क्षीण हो जाती। जो संयम का पालन नहीं करते और जैसा वैदिक शास्त्रों में और जो संयम के नियम है युवा धन सुरक्षा के जो नियम है उनको नहीं पालते वो अल्पायु होते हैं और उनके डिसीजन भी फिर गलत होते हैं और बीमार भी जल्दी हो जाते हैं। ऊर्जा शक्ति ओज तेज नष्ट हो जाने के कारण उनके शरीर के जो कण है जो स्टेमिना है वो जल्दी खत्म हो जाती। वो फौजी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। एक दिन कुछ दिन बीते शाम को वो फिर आ गई। उसको तो मानो फौजी की ओर से छूट मिल गई और फौजी भी उसके साथ पतन के गर्त में गिरने लगा। और जिस समय गिरा जाता है उस समय पता नहीं चलता, जब एकदम गिर चुकते तो फिर पता चलता है कि अरे हम तो कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। लपसनी लपसने में अच्छी लगती है, गिर के पहुँच जाते तब विवेक होता है तो भान होता है और विवेक नहीं होता तो कई मूर्खों को लिपस जाने के बाद भी अपने पतन का भान नहीं होता। मन हावी हो जाता है जैसा मन में आया, कोई गुरु का अनुशासन नहीं और फिर मनमाने ढंग से करते रहते। स्वार्थ और लोभ और संसार उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता। फिर उनको सत्य बात भी कहो तो उनको चुभती है, सत्य सुनने की काबिलियत भी वो लोग खो देते। महापुरुष उपराम हो जाते, गुरु उपराम हो जाते तो फिर बचा ही क्या, दुनिया भर का सब कुछ मिल गया। गुरु और अपने हितेशी उपराम हो जाए तो उसका फिर पतन होता रहता। वो भी सोचते हैं चलो अपने आप प्रकृति ठीक करेगी, फिर कई प्रकार के टेंशन और चिंताओं के बोझ को लेके वो घूमते रहते। ऐसे लोगों को हम भी जानते आप भी जानते। खैर शाम को वो युवती फिर आ गई, कमरा दरवाजा बंद कर दिया। फौजी दौड़ के आया था, थका था, थोड़ा सा खा पी के पलंग पे सो गया और वो युवती भी उसी के साथ सो गई। ट्यूबलाइट चालू रह गई, फौजी ने बोला एक ट्यूबलाइट बंद कर दी। उस लड़की ने युवती ने सोए सोए हाथ लंबा किया, हाथ लंबा ही होता चला गया जैसे मानो पाइप निकल गया। स्विच बोर्ड वहां था, ऐसे हाथ लंबा होता गया लंबा होता गया और लंबा हाथ करके उधर से बंद कर दिया। फौजी चौंका, हाथ तो फिट दो फिट का सवा दो फिट का, ये छः सात फिट आठ फिट हाथ इसका यूं पाइप की नहीं निकल के लंबा हो जाए फिर वापस ऐसा हो जाए। इसके धड़कन हृदय की बढ़ गई, उठ गया, सच बता तू कौन है, सुबह गायब हो जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, रात को फिर आ जाती है,
मैंने तेरे को कई बार पूछा लेकिन तू हर बात मेरे को हर बार टाल देती है। आज तो तेरे को बताना ही पड़ेगा तू कौन है। तो उसने मुस्कुराते हुए फिर टालने की कोशिश की, अजी कोई बात नहीं, ये तो उठ के करना था, अब हुआ नहीं तो ये तो ऐसे ही बंद हो गया। नहीं नहीं सच बता तू कौन है। बोले मैं कौन हूं, मैं चुड़ैल हूं चुड़ैल। बाप रे बाप, मैं चुड़ैल के साथ रात को सोता हूं। चुड़ैल के साथ सांसारिक संभोग आदि करने से उसका जीवनी शक्ति का बहुत नाश हो चुका था। रात को ठीक से नींद ना आए, खाना ठीक से हजम ना हो, गाल बैठते जा रहे थे, पेट की खराबी कब्जियात के कारण आंखों के नीचे कालापन पड़ने लगा। जिनको पेट साफ नहीं आता उनके आंखों के नीचे ज्यादा कालापन होता जाता है, पेट की खराबी का लक्षण है। आंखें धसने लगी, चेहरा तेजोहीन होने लगा, पेट की तकलीफ रहने लगी, रात को नींद नहीं, चुड़ैल निचोए, और दिन में वो फौजी अपने फौज में लेफ्ट राइट करने में बेचारे का स्वास्थ्य दिन दिन लथड़ने लगा। और अब पता चला ये तो चुड़ैल है और नींद हराम। और फिर इसने धमकी भी दे दी, अगर ये बात तूने किसी को बताई तेरे को जान से मार दूंगी, तो क्या समझता। अब तो न कह सके न रह सके और न सह सके। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुनरो चतुन सुजान, निगुरे नहीं रहना। ऐसे कई निगुरों को जानते हम, जिनका गुरु नहीं है, मंत्र नहीं है, वो लोग डिप्रेशन के शिकार। किसी से बात करने में भी उनको संकोच और शर्म होता है। सीए की पढ़ाई किया है, 50 साल की उम्र है, बोले स्वामी जी आशीर्वाद दो, बेटा न जॉब कर रहा है न धंधा कर रहा है, सारा दिन घर में पड़ा है, पिंजरे में तोता पाल रखा है, तोते से फ्रेंडशिप करिए, सारा दिन उसी तोते को मिर्ची और ककड़ी खिलाता है, हम बूढ़े शादी भी नहीं कर रहा है, उसका तो तोता ही पत्नी बन गया, तोता ही फ्रेंड बन गया, तोता ही सब कुछ है, सीए पढ़ा, इतना खर्चा किया, क्या करने का। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आता हूँ, कहाँ रहते हो, बोले ऊपर के फ्लोर में। मैं कहा जाओ मैं आता हूँ। नीचे के फ्लोर में कहीं पगला था, अभी सिंगापुर की बात है, 3 दिन पहले की, 4 दिन, वो 18वें फ्लोर पे थे, मैं 19वें फ्लोर पे गया। तो मेरे आने की वो वृद्ध दंपतियों ने तैयारी की, टेबल पे दिया विया लगाया, फूल वूल थोड़ा रखा, 2-4 केला सेब फल फ्रूट रखा टेबल पे। मैं गया हो, मैं कहा है तुम्हारा बेटा, तुम दो हो काका काकी। वो देखे तो पूरे कमरे में देख के आए, घर में तो है नहीं। बोले कहा भी इतनी देर में कहाँ गया, हम तो नीचे साईं जी को बुलाने गए, इतनी देर में बेटा कहाँ है। देखा चप्पल तो पड़ी है, हाँ बाथरूम में है।
चलो मैं कहा ठीक है अभी 2 मिनट में आएगा बाहर, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतनी देर जाके खड़खड़ाया तो पानी वानी का कुछ आवाज़ भी नहीं आए। अरे खोल खोल खोल, बंद करके बैठ गया। मैं समझ गया पुलिस को देख के चोर डरता है, ऐसे हमको देख के उसका पाप डर रहा है, वो पाप उसको अंदर बाथरूम में फिट कर दिया। मैं 20 मिनट इंतजार किया, अभी निकलेगा अभी निकलेगा, आया ही नहीं। फिर मैं जब गया तो उसने धीरे से दरवाजा बाथरूम का खोल के तसल्ली कर दी कि साईं गए, बाद में निकला। उसकी माँ आई निवास पे, बोले मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बच्चा 3 मेरे बेटे, एक लंदन में है, एक दूसरा है ये 50 साल का, बाकी तो ठीक है, लेकिन आप घर में आए और वो आपका दर्शन नहीं कर सका, मेरे को तो आत्महत्या करने जैसा मेरे मन में, इससे तो मर जाना अच्छा। मैंने कहा नहीं, वो बेचारी बुढ़िया माई रोती जा रही। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन निगुरा होगा, निगुरा होता ही का अंधा पड़े नरक की खान। बोले नहीं। मैंने कहा लाओ फ़ोन पे बात करो, क्या नाम है? घनश्याम। लाओ। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आया तेरे, तुम बोले नहीं हो। मैंने कहा आ जाओ मेरे यहाँ हूँ, आ जाओ, नहीं तो फिर मैं आता हूँ। बोले नहीं आप तो बहुत बिजी, आप कहाँ यहाँ आओगे, आप तकलीफ मत करो। मैंने कहा तो तू आ जा, तुम ही आ जाओ, मैं तो आदर से बोला सन्मान। बोले मैं हकीकत में बहुत बिजी हूँ ना स्वामी जी, इसलिए। मैंने कहा बिजी में क्या हो? तो बोले घर का कुछ देखना पड़ता है। मैं समझ गया तोता भगत है, देखना पड़ता है मतलब आप समझ गए, तोते को मिर्ची देनी पड़ती है, तोते को नहलाना पड़ता है शैम्पू से, ये सब उसको बिजी है। तो जो दीक्षा नहीं लिए निगुरे हैं ऐसे, भले सीए की पढ़ाई पढ़ ले, 50-50 साल की उम्र हो जाए, लेकिन वो भी अपने माता पिता के लिए बोझ रूप बनते हैं, और तोते को नहला खिला के और फिर खाना पड़ता है। उससे तो भारतवासी अच्छे हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है, वो अच्छे कि जो गुरु को ठाकुर को भोग लगा के फिर खाते हैं। खैर मैं बात उस फौजी की करूँगा। वो फौजी रात को नींद नहीं, दिन में परिश्रम, शरीर लथड़ता गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने नींद की गोली लिख के दी, कुछ एनर्जी की शक्ति की जो दवाएं होती है वो कुछ लिख के दी। क्लिनिक पे गया, दवा लिया और एक कागज में पुड़िया बना के क्लिनिक वाले ने दे दिया, और पुड़िया जेब में रख के अपना दिन में जो काम था करके शाम को फिर आया अपने कमरे पे। फिर उस चुड़ैल से कैसे पिंड छुड़ाऊं, अब तो ऐसा ही सोचने लगा, उससे कैसे किनारा करूं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और चुड़ैल ने धमकी दी थी उस दिन, वो चुड़ैल आई, वो आके और दूर खड़ी हो गई, बोले ये तुम्हारे जेब में क्या है, इसको निकाल के फेंको। बोले क्यों, ये जेब में तो दवाई है, जब से तेरे संपर्क में आया हूँ शरीर लथड़ता जा रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए दवाई लेके आया हूँ। अच्छा वो दवाई तो ठीक है, दवाई में कोई वो नहीं, लेकिन वो दवाई जिस कागज में लिपटी हुई है वो कागज को फेंक दो। वो तो मन में बहुत खुश हुआ कि ये कागज में क्या पता क्या है जो ये मेरे पास नहीं आ सकती।
अब ये कागज तो पढ़ना पड़ेगा क्या है। पुड़िया निकाली, दवा हटाई और कागज को देखने लगा आगे पीछे। पढ़ के देखा तो वो गीता का एक श्लोक लिखा था और उसका अर्थ लिखा था और उसके बारे में कुछ व्याख्या लिखी थी। वो पस्ती में क्लिनिक वाले के पास गया और उसी पन्ने को फाड़ के उसने दवाई पुड़िया बना के दे। विचार उसने किया कि ये शायद ये गीता लिखा है, भगवद गीता, तो भगवद गीता के श्लोक का ये चमत्कार कहो, प्रभाव कहो कि चुड़ैल मेरे पास नहीं आ सकती। उसने पन्ना खूब आदर से संभाल के रख दिया। दूसरे दिन तो वो भगवद गीता पुस्तक ही खरीद के ले आया, रोज पाठ करने लगा, चुड़ैल से मुक्ति हो गई। अब एक पन्ने पे लिखा हुआ भगवद गीता का श्लोक, उसकी अगर ये महिमा हो सकती है तो जो किसी संत के मुख से, भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से अथवा गीता अभ्यासी किसी भक्त या किसी संत के मुख से गीता का श्लोक सुने और उसका अर्थ समझे और उसको अपने जीवन में धारण करे, उसका कितना पुण्य होगा, कितना भाग्य होगा। ठीक कहा है गीता, यहां श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के एकाद श्लोक का पाठ करने से, गोविंद नाम का कीर्तन करने से और साधु पुरुष के दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य और फल प्राप्त होता। तो अभी आपको मैं भगवद गीता के श्लोक का उच्चारण करवा रहा हूं। ये श्लोक आप बोले, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिकः, ज्ञानीभ्यो मतोधिकः कर्मीभ्योश्च अधिको योगी, कर्मीभ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन अभयं सत्वसंशुद्धि, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम, स्वाध्याय स्तप आर्जवम क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ, क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते, नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वो तिष्ठ परं तपः, त्यक्त्वो तिष्ठ परं तपः यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः ये
योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इन गीता के श्लोकों का अर्थ है कि चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। एक तो वो कि जो अर्थार्थी है, मतलब अर्थ के लिए, ऑफिस में, दुकान में छोटा मंदिर फोटो लगा दिया, हार चढ़ा दिया, हर रोज नींबू मिर्ची दुकान पे लगा दिया, हर रोज हार पहना दिया, और फिर आरती अगरबत्ती करते, उनका उद्देश्य भगवान को पाने का नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य रुपया है कि आज अच्छा धंधा होना चाहिए, अच्छा बरकत होना चाहिए। शंकर कांटा लगे न कंकर, बम 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 भोले गिरा दे सोने चांदी के गोले, राजा की फौज फकीर की मौज, काली 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 कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। अगरबत्ती घुमा दी, दिया कर दिया, बोले आज अगर इतना होगा तो 11 रुपए का पेड़ा चढ़ाऊंगा, 101 का दक्षिणा दूंगा, अथवा 125 साल में लड्डू का प्रसाद बांटूंगा, गणपति बाप्पा मोरिया लाडू लाओ लो करिया, इस महीने की सितंबर महीने की पत्रिका आज सुबह ही पहुंची है, आज सुबह ही आई है, उसमें पेज नंबर 6 में गणेश चतुर्थी और 4 नंबर पेज में मैनेजमेंट गुरु गणपति के जीवन के बारे में, और इसके शुक्ल चतुर्थी भाद्र महीने की 19 सितंबर को जो गणेश चतुर्थी है उसके बारे में विस्तार से लिखा है, और गणेश चतुर्थी पर 10-11 दिन का उत्सव अहमदनगर में होने जा रहा है, और भव्यता से उसकी तैयारियों में समिति और आश्रम के भाई लोग लगे हुए हैं। 12 दिन का, और उसमें गणपति याग किया जाएगा और गणेश पुराण पर प्रवचन भी हम करेंगे, ऐसा विचार चल रहा है। उसमें भी कई लोग बंबई के आ सकते हैं। 19 सितंबर से 30 सितंबर तक का कार्यक्रम अहमदनगर में होगा। 90-95% पक्का है, अभी फाइनल होने जा रहा। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता अतः सुकुमारक मारोदिस्तव यशस्यमंतक। विष्णु पुराण के 4th अध्याय के 13वें 4th स्कंध के 13वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि जो गणपति का गणेश चतुर्थी का चांद देख लेता है उसको वर्ष में कोई ना कोई कलंक, कोई इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता है, लेकिन
गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले और एक दिन बाद अर्थात तृतीया और पंचमी को अगर चांद देख ले तो चतुर्थी का चांद देखने से लगने वाले कलंक का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस दिन स्नान दान जप और उपवास करने से 100 गुना फल होता है। और माइयां इस दिन गुड़ घी नमक और अपूपादि से अपने सास ससुर या माँ आदि को तृप्त करें तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह उठक बैठक चालू कथा में बंद होनी चाहिए। जो बीच में उठ के जाते हैं वो पीछे बैठा करें, आगे आके बैठना फिर उठना लोगों को विघ्न करने का पाप अपने सिर पे नहीं चढ़ाना। ओम गम गणपतये नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने और दुर्वा और सिंदूर की आहुति देने से समस्त विघ्नों का निवारण होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। गणेश चतुर्थी जो 19 सितंबर 2012 को आ रही है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणपति का दोपहर में जन्म हुआ था और उस दिन कोई चंद्रमा देखे तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, ब्राह्मण लोग लिख लो जो कथा कराते जो पूजा पाठ कराते वो लोग भी ये नोट कर लो, भागवत के 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में जो कथा है स्यमंतक मणि की कथा उसको सुनना या पढ़ लेना चाहिए, उसका प्रभाव कम हो जाता है। खैर, एक है अर्थ की प्राप्ति के लिए भगवान की ओर चलने वाला, उसको अर्थार्थी कहते हैं। दूसरे हैं आर्त भक्त, कोई तकलीफ हुई प्रॉब्लम आया विघ्न बाधा आई तो उसके निवारण के लिए जो भगवान की उपासना करते। तीसरे हैं जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान बोलते हैं कि मैं उनका हृदय हूँ और वो मेरा हृदय है। दूसरा जो श्लोक आपने अभी उच्चारण किया, अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में भय का सर्वथा अभाव। कल शाम के सत्संग में भी आपने सुना था कि जो धर्म दीन हीन दुर्बल होना सिखाए वो धर्म धर्म नहीं है, धर्म हिम्मत देता है बल देता है। आप लोग अपने बाल बच्चों के जीवन में भी ऐसी निर्भयता के संस्कार डालो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी और लक्ष्मी बाई के संस्कार डालो ताकि हमारे बालक हमारे युवा अपनी रक्षा कर सकें, अपनी समाज की रक्षा का बल हमारे भीतर विकसित होना चाहिए। धर्म की रक्षा जो करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। हमारी संस्कृति को धर्म को कोई गाली दे जाए कोई मखोल उड़ाए हमारे गुरुजनों को महापुरुषों के ऊपर कोई उंगली उठाए अथवा हमारे सनातन संस्कृति
को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र करे तो उसका मुकाबला करने का प्रतिउत्तर देने का बल हमारे पास होना चाहिए। शिवाजी के पिताओं मुगल शासक के वहाँ सूबेदार थे, शिवा को ले गए और जब वो मुगल शासक के सामने शिवा खड़े रहे तो एक टक देखते रहे। जो मुसलमान शासक ने कहा कि ये क्यों मेरे आगे सिर नहीं झुकाता, तो शिवा ने उन्हीं के सामने बोला कि मैं सिर तो नहीं झुकाऊंगा, मेरी आंखें भी नहीं झुकेगी तुम्हारे सामने। उनकी माँ ने ऐसे संस्कार दिए कि जो हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत लूटे और अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति द्वेष रखे, ऐसे शासक के सामने क्या सिर झुकाना। वो माँ के संस्कार दिए थे, माँ तो सबसे पहले गुरु होती है, माँ के द्वारा दिए हुए संस्कार बड़े अमिट होते हैं। बापूजी के महानता के पीछे भी माँ महंगी बा का हाथ खूब भारी है। माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जलबिन जैसे, हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे। तो आंख बंद करके बैठ जा बालक, आंसू मल को माँ ने कहा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जा, भगवान तेरे को मक्खन मिश्री देंगे। तो आंखें बंद करके बैठे और चुपके से मक्खन मिश्री एक रख दिया। तो बालक को लगा कि भगवान ने मक्खन मिश्री दिया, ध्यान करने से मक्खन मिश्री मिलेगा, तो ध्यान करने से तो जो बोलेंगे जो मांगेंगे वो मिलेगा। ईश्वर में आस्था श्रद्धा और विश्वास का बीजारोपण हो गया। फिर तो ऐसे ध्यान योग भक्ति में ऐसे लगे कि फिर क्या हुआ वो तो आप भी जानते, हम भी जानते, दुनिया जानती है। तो ऐसे ही शिवा के मन में अपने धर्म और अपने संस्कृति के संस्कार, वीरता के, हिम्मत के, बहादुरी के संस्कार शिवा की माँ ने डाले। जब देखा कि मुगल शासक तक हमारी खबर पहुंच गई है और वो कुछ भी कर सकता है, रातों रात शिवा उसकी माँ दोनों घर छोड़ के चल दिए कि हम घर छोड़ सकते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हम तकलीफ सहन कर सकते हैं, जंगलों में पत्थर कांटे हम सहन कर सकते हैं, लेकिन मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं। माँ और बेटा, बेटे की उम्र तो बहुत छोटी थी, निकल लिए, रात भर चलते रहे चलते रहे। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे राज्य में हमको रहना पड़ता, यहाँ तो तुम दुनिया का प्रभु बनो नहीं तो दुनिया तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व कर लेगी, ये बात बिल्कुल तय। जो दुनिया का स्वामी नहीं बनता दुनिया उसका स्वामी बन जाती। हनुमान जी के पास शक्ति थी, बच्चे थे बालक, सूर्य को मुंह में डाल दिया, देखा ऋषियों ने किए तो खेल खेल में सूरज को मुंह में डाल लिया ने तो उधम मचा रहा है बालक, उसकी विद्या को अपनी योग शक्ति से भुला दिया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब काम पड़ेगा तब कोई याद दिलाएगा तो वो शक्ति याद आ जाएगी। वर्षों तक हनुमान जी को अपनी शक्ति का
विस्मरण रहा। फिर जब सीता खोज करने का दायित्व उनके ऊपर आया, समुद्र तट तक तो पहुंच ही गए, वहां से जब पार होना था तो कैसे श्रीलंका जाएंगे। अभी 17 से 19 अगस्त में श्रीलंका में था, पहली बार गया था। वहां भी 3-4 बड़े बड़े कॉलेज हैं हिंदुओं के। इस विश्व गुरु के आखिरी में उसका चित्र भी है, विजय रत्नम हिंदू सेंट्रल कॉलेज में गया। सब बच्चे मेरा रूप देख के बड़े प्रसन्न, वहाँ के प्रिंसिपल भी बड़े प्रसन्न। मैंने कहा यहाँ भी जितने मंदिर हैं, सब जितने धर्म स्थल हैं, सबका एक महासम्मेलन श्रीलंका में आयोजित होना, उसमें हम भी आएंगे। और यहाँ भी जो अशोक वाटिका, इस बार तो नहीं देख पाया जहाँ सीता रही थी अशोक वाटिका, लेकिन अगली बार आऊँगा तो वो कहाँ है अशोक वाटिका, है कि गुम कर दी गई, वो भी जरा देखना पड़ेगा। ऐसे जो ताजमहल है, प्रोफेसर ओक ने पुस्तक लिखी है, यह ताजमहल तेजो महालय था, शिव मंदिर है। और जो बोलते हैं ना उसका मुमताज ताज का मकबरा है या उसकी स्मृति में बनाया है, तो यह हम लोगों को गलत सिखाया जा रहा है। उसका बेगम का मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में उसका उसको दफनाया है। और ताजमहल के नीचे तो शिवलिंग है, उसके कमरे क्यों बंद कर दिए गए, ताला लगा के, उसको खोलो और सब जितने हैं सबको नीचे दर्शन करने और अभिषेक करने जाने दो, क्यों इस रहस्य को छुपाया जा रहा है। प्रोफेसर ओक ने पुस्तक लिखी ताजमहल की सच्चाई, द ट्रुथ ऑफ ताजमहल। उस पुस्तक को बैन कर लिया और उसकी सारी प्रतियां कब्जे में ले लिया और उसको धमकी दे गई, ऐसी पुस्तक तुमने क्यों लिखी। तो ये भारतवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर कोई बहादुर आवाज़ उठाए तो हम भी उसके साथ हैं, या कोई आगे बढ़े, हम तो बोल ही रहे, आप भी अपने अपने ढंग से बोलें। या कोई एडवोकेट है, वकील है, या किसी में हिम्मत है तो जनहित याचिका दायर करे कि ताजमहल को खुलवा और ताजमहल की सच्चाई लोगों को बताओ, तो पूरे दुनिया में ये सच्चाई का रहस्य उद्घाटन हो सकता है। और नीचे का तहखाना खुलवा के वहाँ शिव मंदिर के सबको दर्शन भी हो सकते हैं। कोई ये पहल करे, चाहे वो बाबा रामदेव करें, कोई भी करे, तो अच्छा होगा। खैर, मैं बात बता रहा था शिवाजी महाराज। रात भर चलते रहे, माँ बेटा सुबह पहुँचे कहीं, फिर कहीं थोड़ा जलपान किया, फिर चलते रहे। करते करते कहीं सुरक्षित जगह देख के वहाँ रहे, घुड़ सवारी चलाना सीखा, तलवार अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। शिवा ने 5-7 लड़कों का संगठन बनाया, बढ़ता गया। फिर वो इतना मजबूत हुआ कि मुगलों को मुंह की खानी पड़ी, मुसलमान शासन का अंत हो गया और इस महाराष्ट्र का निर्माण हो गया शिवाजी के कारण। जननी जने तो भक्त जन, कहाँ दाता कहाँ शूर, नहीं तो रह जे बांझणी मत घुमा विष्णु। चूहे को देखकर डरने वाले, कुत्ते बिल्ली को देखकर डरने वाले बच्चों की जरूरत नहीं है, तो बहादुरों की जरूरत, वीरों की जरूरत है।
तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, हे अर्जुन तेरे अंदर जो ये कायरता है, दुर्बलता है, वो शोभा नहीं देती। तू तो विगतज्वर, शोक रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब बोले मैं भिक्षा का अन्न खा के दो टुकड़े खा लूंगा, नहीं नहीं, तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, और तीसरी बात आपकी बुद्धि में बुद्धि योग आना चाहिए, आपकी निर्णय शक्ति, प्राण शक्ति, मनोबल जितना मजबूत होगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए उपयोगी, परिवार के लिए उपयोगी, समाज के और देश के लिए भी उपयोगी, विश्वनीयता के लिए भी आपका जीवन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हरि ओम, हरि सपना दुख बुलबुला, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान, दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, दोनों बीतन दीजिए, सो हमको पहचान, सो हमको पहचान, हरि हरि आओ, दीन दर्द दुख भंजना, दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथन नाथ, घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आइयो, शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, हरि ओ पूरा प्रभु आराधिया, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइया, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गा, पूरे के हरि हरि आओ, कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता नहीं को, धनवंता ते हु जानियो, धनवंता ते हु जानियो, जाको राम नाम धन हुई, जाको राम नाम धन हुई, हरि हरि आओ।